कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल सोर्स बुक ग्लैमर में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, वैसे टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है कि आज मैं आप सबके साथ लेकर के आई हूँ आफ्टर वॉश रिव्यू। और ये सुपर से भी ऊपर वाला आफ्टर वॉश रिव्यू होने वाला है जो कि आपको देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, पूरे 5 ड्रेस आपको मिलने वाले हैं, यानी कि पूरा 5 जो है कुर्ता सेट आपको दिखलाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कुर्ता सेट की, और जो मैं पहनी हुई हूँ तो इसको मैं एकदम ईमानदारी से मैं बोलती हूँ कि मैं इसे घर में वॉश करने का तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि तो इतने ज्यादा इसमें सिक्वेंस के वर्क है और इतना ज्यादा इसमें जड़ी का काम किया हुआ है। और फर्स्ट टाइम इसको वॉश करके मैं वॉशिंग मशीन में या फिर हैंड वॉश करने का सोच नहीं सकती, तो इसलिए मैं इसको ड्राई वॉश में देने वाली हूँ। अगर मैं ड्राई वॉश में देती तो कम से कम 2 से 3 दिन तो ड्राई वॉश वाले भैया जो है वो लेने ही वाले थे। कितना भी मैं उनको रिक्वेस्ट करती फिर भी वो 2 दिन तो पक्का लेने वाले थे, उसके पहले नहीं देते। और मुझे रिव्यू करना था तो मैं सोची कि चलो इसके बारे में आपको ऐसे ही बता दूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको घर में वॉश ना करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप घर में वॉश करोगे तो ये खराब होने का चांस है, क्योंकि इतना खूबसूरत ये वर्क है ना, ये खराब हो जाएगा। तो क्यों इसको घर में वॉश करना है, आप इसको ड्राई वॉश में ही वॉश करें। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरे कुर्ता सेट की। तो जो ये कुर्ता सेट है मैं किसी को ओपन करके दिखलाने वाली नहीं हूँ दोस्तों, सबको वॉश की हूँ और फिर बहुत मुश्किल से दुपट्टे में तो मैं आयरन भी नहीं की हूँ, बस ऐसे ही अच्छे से फोल्ड करके, और जब एकदम ठंडा हो गया था आयरन तब फिर हल्का 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 इस तरह से मार दी हूँ, कि मुझे नाजुक है तो मुझे आयरन करने में डर लग रहा था। तो सबके मैं साइड में आपको लगा देने वाली हूँ स्क्रीन के ऊपर वीडियो, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो बात कर लेते इस कुर्ता सेट की। तो इसको मैं इजी में जितने भी कुर्ता सेट आपको मैं दिखलाने वाली हूँ सबको जो है मैं एकदम से जो है सॉफ्ट मतलब क्लींजर में क्लीन की हूँ, यानी कि इजी में वॉश की हूँ। तो आपको भी कहूंगी क्योंकि सब में वर्क है, तो अगर आप इजी में वॉश करते हो तो खराब नहीं होगा कुर्ता और आपका कुर्ता जो है काफी लंबा चलने वाला है। तो बात कर लेते हैं कलर की। तो कलर थोड़ा सा भी फेड नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं श्रिंक होने की, थोड़ा सा भी श्रिंक नहीं हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो। देखिए, आप चाहे तो नॉर्मल जो आप यूज करते हो डिटर्जेंट उसमें भी कर सकते हो, बट अगर आप सॉफ्ट डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो तो ये सब टाइप के जो वर्क वाले कुर्ता होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। बात कर लेते हैं तीसरे कुर्ता सेट की। और ये जो कुर्ता सेट है वंस अगेन ये बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत कुर्ता सेट है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से रेडी होके बनाना था, क्योंकि ये कुर्ता सेट इतना खूबसूरत है ना कि जब मैं पहनी हूँ तो एकदम से मुझे फील आ रही है कि बस किसी की शादी में मैं जा रही हूँ, या तो बारात आने वाला है या बारात आकर के जा चुका है, और आराम से बैठ के शादी देखने के टाइम के लिए मैं इसे पहन के बैठी हूँ। तो इतना खूबसूरत वाइब मुझे आ रहा है और इतना खूबसूरत मुझे फील आ रहा है। और कब से पहनी हूँ इसको, 2 घंटे से पहन के फ्लॉन्ट कर रही हूँ, आजू बाजू वाले फ्लैट में जा करके दिखला के भी आ गई हूँ मैं, तो इतना मुझे अच्छा लग रहा है ये। बट थोड़ा सा भी ये चुभता नहीं है आप इसको पहनते हो तो, ठीक है ना। बात कर लेते हैं इस कुर्ता सेट की दोस्तों। तो इसको भी मैं इजी में ही वॉश की हूँ। जहाँ तक कलर फेड होने की बात, थोड़ा सा भी कलर फेड नहीं हुआ है। जहाँ तक श्रिंक होने की बात है तो भैया थोड़ा सा भी ये श्रिंक नहीं हुआ है, तो आप आंख बंद करके इस कुर्ता सेट के साथ भी जा सकते हो। कर लेते हैं तीसरे कुर्ता सेट की। और ये जो कुर्ता सेट है ये भी सुपर से भी ऊपर वाला है। इसको भी मैं इजी में ही वॉश की हूँ। जहां तक फेड होने की बात है कलर थोड़ा सा भी फेड नहीं हुआ है। जहां तक श्रिंक होने की बात है थोड़ा सा भी श्रिंक नहीं हुआ है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगी, ये जो कुर्ता का ये जो दुपट्टा है और ये जो बॉटम है ना, हो सकता है ये दुपट्टा का कलर थोड़ा सा आपको 2 बार 3 बार जब आप वॉश करते हो तो आपको हल्का सा लाइट दिखे, बट कलर फेड नहीं होगा। बट वो होता है ना धूप में डालने के बाद थोड़ा सा लाइट हो जाना, तो हो सकता है वैसा हो जाए। तो मुझे तो अभी तो फर्स्ट वॉश में तो ये नहीं लगा है कि थोड़ा सा भी कलर गया है या थोड़ा सा भी खराब हुआ है, तो मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है ना। तो मुझे तो परफेक्ट ही लगा है, कलर फेड होना होता तो फर्स्ट वॉश में ही हो जाता। बात कर लेते हैं लास्ट और नेक्स्ट कुर्ता सेट की।
और ये जो कुर्ता सेट है, जहां तक श्रिंक होने की बात करते हो, हल्का श्रिंक हुआ है। जहां तक कलर फेड होने की बात करते हो, ये जो गोल्डन है, गोल्डन का जो ये पेंट जैसा किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, समथिंग कुछ तो इस पेंट को बोलते हैं, अगर आपको याद है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वो मुझे लग रहा है कि जब 7-8 बार वॉश करोगे ना, 7-8 बार वॉश करोगे, तो ये गोल्डन हो सकता है, थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चला जाए, अदरवाइज ये कुर्ता का कलर तो नहीं गया, ये गोल्डन पे मुझे डाउट है, क्योंकि जब वॉश की हूँ तो अभी भी मुझे हल्का सा लग रहा है कि फेड हुआ है। श्रिंक होने की बात है तो यस, ये हाफ इंच से थोड़ा ज्यादा श्रिंक हुआ है, तो आपका जो बस्ट साइज है उससे आप एक साइज तो एकदम से आप आराम से बढ़ा ले। आई होप कि मेरा ये रिव्यू करना आपको अच्छा लगे, रिव्यू अच्छा लग गया हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। इसके स्लिप्स इतने हेवी है ना कि मुझे लग रहा है मैं चूड़ा पहनूंगी, सीरियसली।